हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट आज हम सीखेंगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता क्यों है इसके क्या कारण होते हैं तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के मेनली टू रीजन्स होते हैं फर्स्ट रीजन होता है विटामिन बी ट्वेल्व डेफिशेंसी एंड सेकेंड रीज़न होता है फॉलिड डेफिशेंसी तो हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि विटामिन बी ट्वेल्व क्यों होती है या फॉलिक एसिड डेफिशेंसी क्यों होती है तो विटामिन बी ट्वेल्व डेफिशेंसी के प्रमुख कारण हैं पहला रीज़न है इनएडुकेट डाइटरी इंटेक कि किसी व्यक्ति को अगर डाइट में प्रॉपर क्वांटिटी नहीं मिल रही है विटामिन बी ट्वेल्व डेफिशेंसी के उसकी डाइट इस तरह की है कि उसमें विटामिन बी ट्वेल्व नहीं है तो डेफिनेटली उसे विटामिन बी ट्वेल्व डेफिशेंसी हो जाएगी जिसके कि कारण उसे एक लंबे समय में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो जाएगा तो पहला रीज़न है विटामिन बी ट्वेल्व डेफिशेंसी का इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक सेकेंड रीजन है माल एब्जॉर्सन माल एब्जॉर्सन में बी ड्यू टू गैस्टेक्टोमी मे बी ड्यू टू इंटेस्टाइनल रिसेक्शन मे बी ड्यू टू फिस्ट एवम इंफेस्टेशन मे बी ड्यू टू इंटेस्टाइनल ब्लाइंड लूप सिंड्रोम इन सब रीजन से माल एब्जोर्शन हो सकता है विटामिन बी ट्वेल्व का और इससे विटामिन बी टिफिशेंसी हो सकती है अब हम जानेंगे कि फॉलिड डिफिशेंसी क्यों होती है फॉलिड डिफिशेंसी के कौन कौन से कारण होते हैं तो पहला रीज़न है इनएडिकेट डाइटरी इंटेक उस व्यक्ति या पेशेंट की डाइट में फॉलिक एसिड की मात्रा उपयुक्त मात्रा में नहीं है जिसके की कारण उसे फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो रही है दूसरा रीजन है माल एब्जोर्शन प्रॉपरली जो फॉलिक एसिड डाइट में है लेकिन उसका प्रॉपर एब्जॉर्शन नहीं हो पा रहा है थर्ड रीजन है एक्सेस डिमांड ऑफ फॉलिक एसिड तो ऐसी कुछ कंडीशन होती हैं जहाँ पर बॉडी की एक्सेस डिमांड होती है तो कुछ रीजन होते हैं कुछ कंडीशन फिजोलॉजिकल होती है कुछ पैथोलॉजिकल होती है तो फिजोलॉजिकल कंडीशन जैसे प्रेगनेंसी लैक्टेशन और इन्फेंसी प्रेगनेंसी लैक्टेशन और इन्फेंसी के समय फॉलिक एसिड की डिमांड बढ़ जाती है और कुछ पैथोलॉजिकल रीज़न होते हैं जैसे कि मेलिग्नेंसी इंक्रीज्ड हेमाटोपॉइसिस क्रॉनिक एक्सफोलिएटिव स्किन डिसऑर्डर्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड अर्थराइटिस ये सारी पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें कि फॉलिड डिमांड बढ़ जाती है तो इन सब के कारण फॉलिड डेफिशिएंसी हो जाती है और फॉलिड डेफिशिएंसी के कारण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो जाता है तो मैगालोब्लास्टिक एनीमिया के प्रमुख रूप से दो कारण होते हैं फर्स्ट रीजन विटामिन बी ट्वेल्व एंड सेकेंड फॉलिड डेफिशिय अब हम सीखेंगे मैगालोब्लास्टिक एनीमिया के क्लिनिकल फीचर जैसा कि नाम है मैगालोब्लास्टिक एनीमिया तो नो no डाउट एनीमिया के रिलेटेड सारे साइन सिम्टम मिलेंगे पेशेंट की कंप्लेंट रहेगी वीकनेस पटेक लेक ऑफ कंसनट्रेशन एक्सेट्रा इसके अलावा ग्लोसाइटिस मिलेगा डायरिया मिलेगा लॉस ऑफ एफिटाइट मिलेगा मलास मिलेगा पैरिफेरल न्यूरोपैथी सब एक्यूट कम्बाइन डिजनरेशन नमनेस पेरस्टिशिया वीकनेस एंड एटेक्सिया एंड पुअर फिंगर कोऑर्डिनेशन एंड डिमनिस रिफ्लेक्सेस ऑल दीज आर साइन सिम्टम ऑफ मेगाब्लास्टिक एनीमिया पहले peripheral blood smear examination किया जाना चाहिए और दूसरा सी बी सी करना चाहिए कंप्लीट ब्लड काउंट जब कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं तो रेड सेल इंडाइसिस भी आता है कंप्लीट ब्लड काउंट में आपको हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन भी मिलेगा हीमोग्लोबिन घट जाएगा जब आप रेड सेल इंडाइसिस देखेंगे तो एम आपको बढ़ा हुआ मिलेगा एम और एम या तो नॉर्मल मिलेगा या घटा हुआ मिलेगा मेनली एम पर फोकस करिएगा जो कि हमेशा बढ़ा मिलेगा कुछ कंडीशन ऐसी होती है मेगालोब्लास्टिक में जहां पर एमसी तो बढ़ा हुआ रहता है और एम सी एच एंड नॉर्मल रहता है या घटा हुआ रहता है अब हम रेड सेल मॉर्फोलॉजी को देखेंगे जब हम पीएस एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें मिलेगा वहां पर मैक्रोसाइट्स मिलेंगे तो मैक्रोसाइटिक रेड सेल हमेशा मिलेगी पीएस एग्जामिनेशन पे मैरो एग्जामिनेशन पे आपको मैगालोब्लास्टिक मिलेगी और जब आप मैरो आयरन स्टोर्स की तरफ देखेंगे वो बढ़ा हुआ मिलेगा दिस इज रियली ब्यूटिफुल स्लाइड इस स्लाइड में हमें पैरिफेरल ब्लड स्मियर एग्जामिनेशन में मैगालोब्लास्टिक एनिमिया के पेशेंट में कौन कौन सी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग मिलती हैं वो बताया गया है तो जब भी हम पैरिफेरल ब्लड स्मेयर एग्जामिनेशन करते हैं तो मेगालोब्लास्टिक एनिमिया के पेशेंट में बहुत सारी फाइंडिंग मिलेगी सबसे पहले मिलता है मैक्रोसाइटोसिस मींस मैक्रोसाइट्स मिलेंगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट फाइंडिंग हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल थर्ड इंपॉर्टेंट फाइंडिंग हॉवेल जोली बॉडीज फोर्थ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग बेस ऑफ लेक स्टिपलिंग एंड फिफ्थ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग कैबोटरी

जिसमें पेरिफेरल ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन से ली गई है जब आप ब्लड स्मियर एग्जामिनेशन करते हैं मेगालोब्लास्टिक एनिमिया के पेशेंट का तो आपको मिलेगा हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल जो कि बहुत ब्यूटिफुली दिख रहा है इस पिक्चर में और मैक्रोसाइट्स मिलेंगे मैक्रोसाइट्स नॉर्मली आर का साइज 7.2 पॉइंट के लगभग रहता है लेकिन जो मैक्रोसाइट्स होते हैं उनका साइज एट माइक्रोन से ज्यादा होता है उन्हें मैक्रोसाइट्स बोलते हैं देखिए इस पिक्चर में कितनी ब्यूटिफुली बताया गया है मैक्रोसाइट तो हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोसाइट्स बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग ऑफ मैगोलोब्लास्टिक एनिमिया ड्यूरिंग पेरिफेरल ब्लड स्मियर एग्जामिनेशन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग ड्यूरिंग एग्जामिनेशन you finds megaloblast megaloblast in various stages of differentiation so this is again a very important finding जब आप फाइव पार्ट से ब्लड एग्जामिनेशन करते हैं तो आपको मिलेगा हीमोग्लोबिन घट जाता है हिमेगालोब्लास्ट एक एनीमिया के पेशेंट में आपको फाइंडिंग्स मिलेंगे एमसीबी बढ़ा हुआ मिलेगा हीमोग्लोबिन घटा हुआ मिलेगा एम सी एच एम सी एस सी या तो नॉर्मल मिलेंगे एम सी एच या तो नॉर्मल मिलेगा या बढ़ा हुआ मिलेगा और एम सी एस सी या तो नॉर्मल मिलेगा या घटा हुआ मिलेगा तो ये सारी फाइंडिंग्स मिलेंगी आपको तो ओवरऑल जब हम मेगाब्लास्टिक एनीमिया की बात करते हैं तो हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स मिलती हैं जो कि मेगास्टिक एनीमिया की डायग्नोसिस को स्टैम्प करती हैं या फेवर करती है जैसे कि एम सी बी का बढ़ना हीमोग्लोबिन का घटना मैरो में मेगालोब्लास्ट का मिलना पेरिफ़ेरल ब्लड स्मियर एग्जामिनेशन करते समय हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल का मिलना मैक्रोसाइड का मिलना कैबरट्रेंग का मिलना हॉवेल जॉली बॉडीज तो ये सारी सारी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग है हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल मैक्रोसाइड्स हॉवेल जॉली बॉडी बेसोफलेग स्ट्रिपनिंग कैबरट्रिंग मैक्रोसाइड्स ये सब फाइंडिंग्स मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की डायग्नोसिस को कन्फर्म करते हैं सो थैंक यू सो मच माई डियर फ्रेंड्स माई डियर स्टूडेंट कीप वॉचिंग थैंक यू सो मच